बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालों सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी ऑन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इंशाल्लाह दरख्त कितने सोने हैं, कितने हरे भरे दरख्त आ, और पट्ठे भी लुसन दे किन्ने सोने लगते हैं। मौसम चेंज हो गया ना, हम धुप कम होंगी है तो इसलिए दरख्तों बहुत सोने हुए हैं। तो माशाल्लाह असी आए अपने खेतों च अपने पट्ठियाँ तो अज साडा प्रोग्राम आ भी असी साग पकाइए माशाल्लाह अपना साग हो गया है। तो यह साग अपना माशाल्लाह बड़ा ही सोहना होया आ। तो अज असी अपना साग तोड़ते हैं, शाम के खाने साग बनावांगे। तो फुफो जी भी आते हैं, मैं ते मोइस पहले पहुँच गए हैं। तो मोइस बेटा बैठा वा छुरी लैके, कहिंदा भी छुरी नाल इन्हें कटांगे। मैं लैके आई हूँ मेथी पालक वास्ते, छुरी नाल कट लूँगी। तो ये बैठा वा भी मैं इन्हों कट ला पट्ठिया माशाल्लाह। तो बहुत ही सोहना साग होया हुआ, सरों कूली कूली ते साग बड़ा ही प्यारा बनेगा। तो हम असी साग तोड़ते हैं। फुफो जी भी आ गया, तो हम असी साग तोड़ना शुरू करते हैं। इस तरह असी कूले कूले जिहड़े पत्ते आ वह तोड़ांगे, उन्हां दा साग पकावांगे। इस तरह ते हाँ जी हुण सोहना बन जाणा फुफो जी, ऐ कूला कूला साग और बाथू भी तोड़ांगे। मोइस बेटा तू की करदा पिया वा, तू हट जा, तू भी तो बैठा जा चाचू कोल चलिया जा। देखो जी फुफो जी भी तोड़न लग पे। छुरी ना नहीं वड्डना, पालक तोड़ के लैक जावांगे। मुर्के छट्टा मारे ना नहीं सी जम्मी तो उत्ते ही तो पई गया। हाँ जी साग असी तोड़ लिया है, तो हम असी चलते हैं घर में। इत्थों मैं तोड़ लूँगी थोड़ी जी पालक और थोड़ी जी मेथी, थोड़ी जी लसन दियाँ भूकां, तो सब्जी नूं ताज़ा पानी लग्या होया है। यह धनिया वा हुण पानी लग गया वा, हुण जल्दी बड़ी हो जूगी सब्जी भी। माशाल्लाह सब्जी तो सारी सोहनी है। यह पता नहीं कि चीज़ लगाई हुई, ये शजला माखरिया ते यह गाजरा। मेथी पालक भी छुरी नाल मैं कट ली आ, ते हुण घर चलदी आ। काफ़ी टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, जाके रोटी पकाने। दोपहर का खाना खुना खा लिया है, तो मोई साहब बैठा फुफो जी को। फुफो जी साग कट्टन लगे, कपड़ा कुपड़ा बिछा लिया फुफो जी ने, लगे हुए हैं। मैं भी कटवाउंदी हूँ फुफो जी दे नाल। तो मोई बेटा बैठा वा दही लैके, कहिंदा मैं ना दही नाल रोटी खानी है, सालन मैनू चंगा नहीं लगता, तो खाना सिर्फ दही है, दही इनू पसंद है। तो दही इनू असी इस तो नहीं दिंदे हैगे, ये सर्दी आ तो इनू नोजी लग जाती है। फुफो जी मैं करावा अच्छा, चलो ठीक है, मैं सही मैं फिर दी तुझे गाला ला। ये मशीन नाल साग तो बहुत सोहना कुतरिया जाता, लेकिन एक बंदे को नहीं दो को कुतर होएगा। हाँ जी मैं कटवाउंदी हाँ, ये साग भी कट लिया सी। उस तो बाद देसी च पानी पा के चुल्हे के उपर रख लिया, तो चुल्हे च अग जला ली है। पानी गर्म हो गया, तो हम ये मैं पानी है साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह साग पानी, इस तरह सारा साग पानी देच खिच साग में सारा ही हांडी च पा लिया है। हम इन मैं उपरों कवर कर दिनी हूँ।
काफ़ी सुखी हुई लकड़ी है, काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है, साग जल्दी पक जाएगा। साग माशाल्लाह मिर्चा पाने वाला हो गया है, माशाल्लाह बहुत ही सोहना नरम हो गया है, पानी भी बिचों ख़त्म हो चलिया है। तो मिर्चा मैं अच्छी तरह धो के इन्होंने धुपते रखिया सी भी ये खुशक हो जाए, तो हूँ इन्हों मैं डंडियाँ उतार लैनी हूँ। सर्दी लगती सर्दी सर्दी ने अपना असर खाना ही बिलकुल। आग मेरे वास्ते जलाई आग सेक लो। छली नहीं बन के खाधी बेटा खाए भी ना ठीक है ना, अगे बहुत जुकाम हो सही है ना, खाधी मिजिया ने छली मनु कहता नहीं खाती झूठ किन्ने बोलना तू मोइज़ा चलो चप्पल पा के आओ नहीं तो मार पै जानी अज मेरे को चलो मेरे बेटा चलो चप्पल पा के आओ जाके तो भर लिया कब बस करो बथेरिया जग च मिर्चा में पा लिया तो थोड़ा जहा मैं पानी बिच पाया सोना पेस्ट बन जाता इन्हों का। हाँ जी बेटा ढक्कन दे दी उ मिर्चा पाने बेटा मिर्चा का पेस्ट बना लिया है, नमक भी पा दी मिर्चा साग अच्छी तरह मिक्स कर दी ताकि मिर्चा भी पक जाए। बेटा कम आ मिर्चा का भी कच्चा पान खत्म हो जाए थोड़ा जहा बिच मिर्चा का जो पानी है सुक जाए तो फिर साग नू कुटांगे इस वास्ते हल्की हल्की अग ते रहन देवांगे। ये तुड़के का समान है ये शाम को भी तुड़के खाते हैं काफ़ी लोग इस तरह ही घोट के तो बस खा लेंगे तो ये शाम को कहते तुड़का लगाओ फिर असी खाना वा असी तो अम्मी जी उन्होंने उत्थे मक्खन पा के इस तरह ही खा लीदा तुड़कने तो बगैर ये तुड़के जवेद नहीं खाते कहते सू टेस्ट ही नहीं लगता उस तरह लंघते ही नहीं अंदर। अच्छा जी जवेद चले सके सब्जी वालो मैं इन्होंने कहा लसन दियाँ भूखा लैके आयो तो ये देखो तुम भूखा देखो लैके आए दो तीन चार पांच छे सात भूखा लैके आए मैं मेरे ने कैसे थोड़ी जी लैके नहीं तू दा तुसी क्या सीगा थोड़ी जी बिल्कुल लैके आओ ज्यादा लैके मैं ये तो नहीं थोन छे सात भूखा लैके आए मैं थोन कैसे थोड़ी जी लैके आओ भी कितने थोड़ी दा मतलब सात त ले आए थोड़ी भी ज्यादा भी ना ले आए तुसी तो का सात भूखा लैके आए इना दा की पाणा मैं और ले आने हुन तुसी रहन दो मैं ना इदे नाल ही सार लेना बस हुन मैं ही कट के पा लनी हां थोड़ी जी सही है। असी अम्मी जी उन्होंने उत्थे सुबह नू साग तुड़कते हैं तो खाते हैं तो ये शाम टाइम ही इतने तुड़क के खाते कहते सानू सोहना नहीं लगता इस तरह बिल्कुल सोहना तो वाकई नहीं लगता इस तरह। चलो जी तुड़के आवे तो फिर ही मजा आता तुड़क दी है नाले साड़ी दादी नहीं जी होंगी सी। हाँ जी ओ सन तुड़क के खिलाती होंगी सी ना पहला बचपन तो जिस तरह का बंदा खाता ना उस तरह लग जाता। हाँ जी असं इस तरह ही उत्थे खाने असं उदा लगे हुए भी तुड़किया हुआ खान लग गए इन्होंने नाल मेरी छली सड़ गई तुसी जो इधर गल्ला च लग गए तो छली ने सड़ना ही सी देखिया तुसी तो तुक्का भी खा लिया जल्दी आ जल्दी दे तुक्का खा ली दा हां तुक्का कोई नहीं सा हौसले ना खाओ मैं आप ही तुड़क लाऊंगा तुझे तो इस तरह खाना है जिस तरह मगर पुलिस लगी हुई शाम कोई नहीं पर नेरे खा लांगे रोटी एदे च की
ਤੇ ਮੋਇਜ਼ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੋਇਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਓ। ਧਨੀਆ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਯਮ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਹੀ, ਪਾਣੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਾਗ ਘੋਟ ਰਹੀ ਲੈਣ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੇ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਗ ਘੋਟਣਾ ਫੇਕ ਹੀ। ਇਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਅੱਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਰ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਜ ਦਾ ਤੰਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟੀ ਦਾ? ਦਸ ਮਿੰਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਘੋਟਣਾ ਬਸ। ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁੜਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਲੱਸੀ ਅਦਰਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਘੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁੜਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਾਗ ਘੋਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੁੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਆਦ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਲਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਆਦ ਭਾਈ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਗ ਅਤੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਾਗ ਵੀ ਘੋਟ ਗਿਆ, ਸਾਗ